तो यहाँ पे मिले भैया कार लेके जिन्होंने गाड़ी को रुकवा के और फिर देख रहे भाई फोटो वगैरह खींच रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक यू चैनल गाड़ी घोड़ा एक्सपेरिमेंट। आपको यार गाइस ये नाम उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि यार जो अपनी गाड़ी है वो उल्टी ही चलती है, उल्टे इसके काम है और उल्टी ही दिखती है। तो यार हमने इसका कल एक फर्स्ट पार्ट डाला था, आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा, अच्छी लगी होगी। और आपको ये भी पता होगा कि भाई फर्स्ट पार्ट के अंदर अपनी जो ये गाड़ी है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आज उसका यार सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के अंदर हम करने वाले इसको पूरा कंप्लीट, और अगर पॉसिबल रहा तो इसका लेने वाले हैं पब्लिक के रिएक्शन। तो यार सच में काफी ज्यादा मजा आने वाला, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर बने रहना। और नए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम करते हैं अपने काम को शुरू। और यार काफी काम हमने कवर भी लिया है, हमने यहाँ पे टायर लगा दिए, बम्पर के दोनों मुंह लगा दिए, यहाँ का फ्रंट जो फेस है वो बनाने चालू कर दिया है। और यार लकड़ी से जुगाड़ करके हम इसको अटैच कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो कार का फेस आता है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, करते हैं अपने काम को आगे कंटिन्यू, आप लीजिए टाइम लैप्स का मजा। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. यार तो अभी कर रहे हैं अपन फ्रंट ग्रिल का काम, और ये नाम तो पहले लिखा हुआ था जब हमने चलती फिरती झोपड़ी बनाई थी तब का, तो इसको कवर करने वाले हैं ग्रिल के अंदर। तो भाई सिंपली यहाँ पे फेस तो बना दिया हमने, और अब लगा रहे हैं इसके हेडलाइट, क्योंकि यार हमने जो हेडलाइट यूज़ में लिए वो है प्लास्टिक की, बस डेमो लाइट है, जलने वाली नहीं है। और ये सेम नंबर प्लेट थी अपने पास कार की, तो इसके दो टुकड़े कर लिए हैं हेडलाइट की आकृति के, और इन दोनों को भाई अटैच करने वाले हैं दोनों तरफ, और फिर करते हैं यार बीच वाली ग्रिल का काम। तो फटाफट से इन हेडलाइट को अटैच करते हैं, भाई धूप जो है खतरनाक पड़ रही है यार। हाँ तो यार हमने डेमो पीस के लिए यहाँ पे दोनों हेडलाइटों को अटैच कर दिया है, अभी तो आपको रफली लुक नहीं आ रहा होगा, बट ये पूरा बम्पर कंप्लीट होने के बाद और ये ग्रिल कंप्लीट होने के बाद पूरा का पूरा जो हेडलाइट का लुक लगने वाला है। और यहाँ पर सिंपली हम बम्पर को हटा लेते हैं, और अब जो बोनेट का शेप आता है, जैसे कि मान लो गाड़ी पलटी खाई हुई है और हमें कैसे दिखाई देगी, उसी शेप का हम यहाँ पे बोनेट बनाने वाले हैं छोटा सा। तो इसको हटाते हैं और फिर करते हैं बोनेट के काम को कम्प्लीट। ऑलराइट यार, तो हम बनाने वाले इस पीवीसी पाइप से इसका बम्पर, तो हमने इसको कट कर लिया, आप गैस पे गर्म करके लाते हैं और इसको करते थोड़ा सा चौड़ा, और ताकि अपने पास एक मटेरियल आ जाए जिसकी वजह से हम बम्पर को बना सके, क्योंकि यार जो बम्पर की चौड़ाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। हमने इसके नाप का ये पाइप तो काट लिया है, अब इसको फ्लैट करके लाते हैं और फिर अटैच करते हैं इसके साथ, और बम्पर के शेप का इसको बनाते हैं। भाई हम आ चुके हैं चिकन किचन में, और ऐसे इसको गर्म करते हैं भाई पाइप को, और फिर लंबा करके फ्लैट करते हैं। और भाई साफ धूप में से अगर छाव में आ गए ना भाई, मजा आ जाए यार, क्या बिल्कुल भी गर्मी नहीं है बट यार। तो ऐसा फिट हुआ अपना पीवीसी जो पाइप है, शेप में तो आ गया पर इसके कलर की वजह से आपको लग नहीं रहा, और यहाँ पे एक पीस और अटैच करना है, तो वो अटैच करते हैं और फिर देखते हैं बम्पर का जो लुक आता है वो कैसा आता है। बट यार गाइस अपने बम्पर की जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब बस पेंट का काम बाकी बचा है। शेप में तो आ चुकी है, बस जब तक पेंट नहीं होगा तब तक पता नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर आते हैं पेंट। हाँ तो यार अब कर रहे हैं पीछे वाले बम्पर की फिटिंग, और बम्पर के लिए हमने लिया है एक लकड़ी का फंटा, और इसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में पूरा मामला होके अपना पेंट का काम बाकी रह जाएगा, और इसे फटाफट से कंप्लीट करके फिर चलते हैं पब्लिक रिएक्शन के लिए, और देखते हैं कि भाई क्या सीन रहने वाला है। पीछे वाले पार्ट को पूरा व्हाइट पेंट कर देंगे तो डिग्गी का शेप आ जाएगा, फटाफट से करते हैं भाई अपने काम को कम्प्लीट। ऑलराइट यार अब बारी है इसको पेंट करने की, तो कलर को मिक्स कर लेते हैं और फिर करते हैं भाई फ्रंट बम्पर को कलर। भाई आगे कौन सा कलर कर रहे हैं? ब्लैक कलर करेंगे भाई बम्पर के। तो भाई कलर ऐसे कैसे हो रहे हैं? अभी इस मशीन को यार सेट करनी पड़ेगी, काफी दिनों से पड़ी थी। नहीं लास्ट टाइम पेंट किया था हमने यार चलते फिरते घर के ऊपर। हाँ उससे बाद में इसको चढ़ा भी नहीं है, टाइम काफी मिलता था भाई चढ़ने का। Over the edge, feel like I'm floating through the air. हाँ तो यार अपने फ्रंट बम्पर के पेंट हो चुका है, और रफली लुक आ रहा है कि भाई जो कार है वो पलटी खा रही है। आ रहा है ना मोटे
भाई ऐसे लग रही जैसे कोई कार खड़ी है थोड़ा सा यार इसका ये दिखने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई नहीं अभी वारंट लगना बाकी है, वो लगने के बाद ये मामला भी पूरा कवर हो जाएगा। अब चलते भाई पीछे वाले बम्पर के करते हैं पेंट। गाड़ी घोड़ा एक्सपेरिमेंट उल्टा है। अब यार बारी है इसकी डिग्गी को पेंट करने की, यानी कि इस गाड़ी की बॉडी को पेंट करने की। उसके बाद जो है रफली पूरा पूरा लुक आ जाएगा पीछे से भी कार का, पेंट करते भाई। और यहाँ पे थोड़ा सा जीव दुख पा रहा है क्योंकि यार अपने चैनल का नाम भी ढकने आ रहा है, पर कोई नहीं चल जाएगा इतना तो करते भाई इसको भी पेंट। यार तो पूरा मामला हो गया, हो चुका है, अपनी पलटी खाई हुई कार रेडी टू ड्राइव है। अब बस इसकी फाड़ के बांध रहे शुभम, क्योंकि यार कल ही खुल के जा रही थी और अब चल रहे हम रोड पे, तो ऐसा ना हो कि भाई खुल के किसी के लग जाए, तो वो कंप्लीट करते और फटाफट से निकलते हैं भाई, फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा लेट हो रहे हैं। और सामने का ये लुक है भाई, हमने एक ग्रिल भी लगा दी है और भाई साहब लग तो रही है भाई, कंफर्म 100% लग रही है, चारों टायर लग चुके हैं और पीछे का मामला भी ओके है भाई। हम निकलते हैं भाई फटाफट से। हालत ख़राब हो गई यार सच में, देखो हाथों की हालत देखो। कोई नहीं करते कंप्लीट। गाइज रोड पे आ चुके हैं और लोगों के जो रिएक्शन है ना भाई सच में काफी ज्यादा अमेजिंग आ रहे हैं यार। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. कैसे देख रहे लोग बाग? टुकर हाँ मटे मजा आ रही है। आ जाओ आगे चलते आगे। भाई इनको दोनों को बोल रखा है अगर कोई भी सामने से आए तो नीचे झुक जाया करो, और रियल में ऐसा लगता है कि भाई है ना गाड़ी उल्टी पलटी कर रखी और चल रही है। यार भैया जी और रिएक्शन आ रहे हैं ना सच में, OMG वाले आ रहे हैं यार, सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं और बोल रहे हैं भाई देख पलटी खाई हुई गाड़ी जा रही है। सच में मजा आ गया यार, दो दिन मेहनत तो लगी पर रिएक्शन जो है ना बिड़ू एक नंबर के आ रहे हैं। तो भैया जी थोड़ा और चलते मार्केट के अंदर और फिर वापस आ जाएंगे। Watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it. तो यहाँ पे मिले भैया कार लेके, जिन्होंने गाड़ी को रुकवा के और फिर देख रहे भाई फोटो वगैरह खींच रहे, काफी जोरदार पसंद है इनको, सेलिब्रिटी शुभम और मोटा। कैसा लगा पब्लिक रिएक्शन? सच में था ना यार काफी क्रेजी आइडिया आपका ही था, बस काम मेरा था। तो यार इस प्यारी सी मेहनत के लिए, दो दिन के हार्ड वर्क के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।